हेलो स्टूडेंट, मैं हूं मुकेश साहिर फ्रॉम JHB सरदार प्राइमरी इंग्लिश मीडियम स्कूल। आज मैं आपको ओवरलैपिंग डिज़ाइन, जिसमें ज्योमेट्रिकल शेप ट्रायंगल, सर्कल एंड स्क्वायर, उसको ओवरलैप करके अच्छे से कैसे उसको जैसे वॉल पीस जैसा एक डेकोरेटिव डिज़ाइन हमें क्रिएट करना है इसमें, तो वो डिज़ाइन हम किस तरह से यहाँ पे फॉलो करते हैं कलर को लेके और पेंसिल से, तो वो आपको यहाँ पे मैं जो डेमो दिखा रहा हूँ जिसमें जैसे रेड कलर लिया है मैंने ये पहले। तो सबसे पहले स्टूडेंट, ये जो मैंने स्क्वायर पहले से ड्रॉ करके ही रखा है, जिसका मेज़रमेंट है 15 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर का स्क्वायर है, और वो इनसाइड जो भी स्क्वायर है इसके अंदर जो ट्रायंगल, सर्कल एंड स्क्वायर, तो वो उसका कोई मेज़रमेंट नहीं, वो आप कैसे भी मेज़रमेंट ले सकते हो उसका। इसमें मैंने जो कलर स्टार्ट किया वो राउंड ब्रश और फिर पोस्टर कलर रेड। इसमें हमको वाटर कलर ही लेना है, लेकिन पोस्टर कलर लेना है। जैसे फर्स्ट रेड है, फर्स्ट कैटेगरी के जो कलर है जैसे रेड, ब्लू एंड येलो, तो हमें वही थ्री कलर लेना है, और जिसके अंदर आप व्हाइट मिक्स करके इसके अंदर शेड चेंज कर सकते हैं। जैसे रेड में मैंने थोड़ा वाइट मिक्स किया है, और फिर ये जो स्क्वायर के अंदर शुरू किया है। तो नॉर्मल फर्स्ट हमें सिर्फ वॉश ही करना है, जैसे राउंड ब्रश 8 नंबर 6 नंबर आप चाहे कैसे जो भी, लेकिन राउंड ब्रश नॉट फ्लैट ब्रश, फ्लैट ब्रश हमें नहीं लेनी है। एक टोन जो हमने बनाया जैसे वाइट मिक्स करके, तो उसको दो तीन जगह पर आप यूज़ कर सकते हो। जैसे सेमी सर्कल के अंदर मैंने लिया है, और ऊपर का एक स्क्वायर रेक्टेंगल है उधर भी लिया है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इसमें वॉश बेस, कैसे ब्रश लेना पकड़ना है, और वाटर थोड़ा कम लेना है, थिक कलर यानी जो पोस्टर कलर इसको ही बोलेंगे हम, कि वो हम ज़्यादा कलर यूज़ करते हैं, जो पानी कम लेना है आपको, इसलिए वो पोस्टर कलर बोलते हैं। अब मैंने ब्लू लिया है, ब्लू के अंदर थोड़ा सा ही वाइट मिक्स किया है, तो थोड़ा जो रेगुलर उसका जो शेड है वो चेंज हो जाएगा, और फिर वो लाइट कलर दिखेगा हमको पेपर के ऊपर। ये जो सब कॉर्नर में फिनिशिंग ये राउंड ब्रश से ही हो पाएगा, अगर इसमें हम फ्लैट ब्रश यूज़ करेंगे तो ये ऐसा जो अच्छे से फिनिशिंग नहीं आएगा और क्लियर भी नहीं दिखेगा। तो स्टूडेंट, आपको यही करना है कि एक शेड जो आपने बनाया है वो शेड थोड़ा ज़्यादा बना लेने का, तो वो हम 3 या 4 प्लेस पे उसको यूज़ कर सकते हैं। ऐसा कोई स्मॉल पार्ट्स है तो इसमें आप ब्लैक कलर भी यूज़ कर सकते हो, डायरेक्ट ब्लैक कलर। धीरे धीरे आप कलर मिक्स करोगे, और फिर ये कलर मिक्स में थोड़ा जो कलर आप ले रहे हो, निकाल रहे हो डिश के अंदर, तो उसको बराबर से निकाल के फिर थोड़ा सा पानी और वाइट मिक्स करके बराबर ब्रश से उसको हिलाना है, और फिर पेपर के ऊपर लगाना है। अब ब्लू में थोड़ा सा ये डार्क हुआ है, जो डार्क ब्लू वाइट वाला जो ब्लू था उसमें डार्क ब्लू लिया था, अब ये थोड़ा लाइट किया है।
तो इसको देखिए काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसा सोचते हैं कि इसको कितना टाइम, अगर एक डेढ़ दो घंटा चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। इसमें आप अगर चाहोगे वन बाय वन पहले से डिसाइड कर दोगे कि मुझे यहाँ पे कलर करना है, इधर करना है, तो आप फटाफट से इसको कंप्लीट कर सकते हैं। अब लिया है येलो कलर, जैसे प्राइमरी कलर के अंदर जो रेड येलो एंड ब्लू, तो ये थ्री कलर के ही मैंने मिक्स करके पूरी डिज़ाइन को कंप्लीट किया है। अभी शुरुआत यानी स्टार्टिंग में आपको ऐसा लगेगा थोड़ा सा ये अच्छा नहीं दिख रहा है, लेकिन धीरे धीरे हम जैसे शेड बनाते जाएंगे तो आपको ये एब्स्ट्रैक्ट यानी ठीक लगेगा। येलो कलर का बैकग्राउंड है ये। अगर कोई स्मॉल यानी कोई बारीक प्लेस होते हैं तो वहाँ पे आप 3-4 नंबर की ब्रश लेके भी जो स्पेस बाकी बची है कलर की वहाँ पे कर सकते हैं। तो वैसे इजी ये जो 30 मिनट में आप आराम से इसको कंप्लीट कर सकते हैं। लास्ट में जो ये रेड है जिसमें वाइट मिक्स करके, अब हम बॉर्डर लाइन करेंगे। जैसे मैं चाहूँ इसमें अगर ब्लैक भी ले सकता हूँ, मैंने लिया है वाइट कलर जो 2 पॉइंट ब्रश। तो मैंने जो बॉर्डर लाइन की है वो स्ट्रेट नहीं की है, वो मैंने जिगजैग लाइन को इस्तेमाल, क्योंकि जो कोई अगर बॉर्डर है और दूसरे कलर के साथ थोड़ा सा वो स्प्रेड हो चुका है तो उसको हम अच्छा दिखाने के लिए ऐसे ये बॉर्डर लाइन हम यूज़ कर सकते हैं। अगर तो वो ये बॉर्डर से वो जो स्पेस फिनिशिंग है वो पूरा इसमें आ जाएगा। स्टेप ये वाइट बॉर्डर हमारी कंप्लीट हो गई। अब जो भी इसके बिग स्क्वायर जो उसकी हम बॉर्डर करेंगे उसे मैंने ब्लैक कलर लिया है। इस तरह से पूरी बॉर्डर कंप्लीट हो गई। अब हम जो भी ये स्मॉल हमारे जो ये ज्योमेट्रिकल शेप है उसके कॉर्नर पड़ेंगे तो वो कॉर्नर को हम डार्क करेंगे ऐसे डॉट की स्टिपलिंग करके, ब्रश में ब्लैक कलर लेंगे और फिर ये डॉटिंग कर देंगे इस तरह से थोड़ा थोड़ा। ऐसे जो जो कॉर्नर है वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा डॉट करने हैं और जो बिग साइज है वहाँ पे थोड़ा बारीक है।